कमेंट्स असाइनमेंट्स इफ स्विच एंड लूप्स इन सी प्लस प्लस। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट है वो कंप्यूटर के लिए नहीं है, कमेंट्स बेसिकली इंसानों के लिए हैं जो कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए। नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कमेंट्स और असाइनमेंट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इफ एल्स, इनको आसान शब्दों में समझेंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करो नोट्स बना सकते हो। तो कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कमेंट्स क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, टिप्पणी बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने प्रोग्राम लिखा हुआ है और उस प्रोग्राम को कोई दूसरा पढ़ता है तो उसको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो प्रोग्राम को, इसलिए जो प्रोग्रामर लिखने वाला जो होता है वो उसमें कमेंट्स लिखता है साथ में। ठीक है, तो कमेंट्स है वो कंप्यूटर के किसी काम के नहीं है, जो कंपाइलर है वो इनको इग्नोर कर देता है, इनको अनदेखा कर देता है। अब C++ में कमेंट्स है वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी कुछ लिखा हुआ है कमेंट्स के अंदर उसको कंपाइलर इग्नोर करता है, अनदेखा करता है। मल्टीपल लाइन कमेंट्स देखते हैं, तो C++ में मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखने का तरीका है स्लेस स्टार, यहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद में हम कुछ भी जो भी लिखना है प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए वो इसमें लिखेंगे, जो भी टिप्पणी लिखनी है कमेंट्स लिखने हैं वो, फिर जहाँ हमारा कमेंट है वो एंड होता है वहाँ पर स्टार और स्लेस के साथ ख़त्म कर देंगे। तो स्लेस स्टार से शुरू हो गया और स्टार स्लेस से ख़त्म हो गया, इन दोनों के बीच में आपने कुछ भी लिखा हो, चाहे कुछ भी किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, कोई भी सिंबल लगाया हो, कंप्यूटर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एरर नहीं आएगी आपके प्रोग्राम में, कंप्यूटर इसको अनदेखा करेगा, इग्नोर करेगा। और इसको पढ़ेगा कौन, ये किसके काम का है, कोई इंसान, कोई दूसरा प्रोग्रामर है जो इस सोर्स कोड को पढ़ेगा। सोर्स कोड क्या होता है, हम कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जैसे व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक का एप्लीकेशन है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो हमें कोड नहीं दिखता है, हमें यूजर इंटरफेस दिखता है कि यूजर को कोड समझ में नहीं आता है, जो एक आम आदमी है, लेमैन है, उसको कोड समझ में नहीं आता है, तो उसको सिर्फ इंटरफेस दिखता है बाहर का, जो भी बटन्स बना रखे हैं, मेन्यूज़ बना रखे हैं। कोड किसको दिखता है, जो डेवलपर होता है उसको कोड दिखता है। तो हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके बैक में प्रोग्राम्स चलते हैं, सैकड़ों या हज़ारों प्रोग्राम्स चलते हैं, वो सोर्स कोड होते हैं। अब एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं इसको, मल्टीपल लाइन कमेंट होता है, तो जैसा कि मैंने बताया इस कमेंट के अंदर स्लेस स्टार और स्टार स्लेस के अंदर, जैसे यहाँ पर स्टार भी लगा रखा है, कुछ चीज़ें लिख रखी है, प्लस प्लस भी लगा रखा है, कुछ भी लिखा हो, स्पेशल सिंबल्स लिखा हो, डिजिट्स लिखा हो, लेटर्स है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, इससे कंपाइलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एरर नहीं आएगी। फिर आता है अपना सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट है वो स्टार्ट होता है डबल स्लेस से, और एंड करने के लिए क्या करेंगे, एंड करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जब वो लाइन एंड हो जाएगी तो वो कमेंट भी एंड हो जाएगा, उसके बाद में जो नीचे जो लाइन आएगी वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाएगी, सोर्स कोड में शामिल हो जाएगी, वो कमेंट के अंदर शामिल नहीं होगी, कमेंट में सिर्फ एक ही लाइन आएगी।
एक एग्जांपल से देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखा, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन फंक्शन लिखा, और यहाँ पर सी आउट में हमने लिखा डबल कोट्स के अंदर जीपीसी डूंगरपुर, एक ये हमने स्ट्रिंग लिख दी, और फिर सिंगल लाइन कमेंट लगा दिया प्रिंट्स जीपीसी डूंगरपुर। ठीक है, तो ये डिस्प्ले के अंदर मेरा क्या हो रहा है कि ये नीचे वाली लाइन में आ गया डूंगरपुर, क्योंकि मैंने थोड़ा इसकी टेक्स्ट की साइज़ ज़्यादा कर दी थी। नहीं तो प्रोग्राम के अंदर क्या होगा कि ये प्रिंट्स जीपीसी और डूंगरपुर भी उसी लाइन में आएगा, नीचे वाली में नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाली में आते तो क्या होगा ये प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल लाइन कमेंट काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डूंगरपुर जीपीसी के आगे उसी लाइन में रहेगा, रिटर्न जीरो। तो जब कंपाइल करेंगे हम इसको तो प्रिंट्स जीपीसी डूंगरपुर जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये जो लिखा है और ये भी शामिल है इसके अंदर, तो इसको कंपाइल क्या करेगा, इग्नोर करेगा, इसको अनदेखा कर देगा। जैसा मैंने बताया कि ये जो मल्टीपल लाइन कमेंट है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, कुछ भी कैरेक्टर आता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसमें बीच में डबल स्लेस भी आ सकता है, और वैसे डबल स्लेस सिंगल लाइन कमेंट है, उसके अंदर ये मल्टीपल लाइन कमेंट आ गया, उसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनकी नेस्टिंग कर सकते हैं, एक टाइप के कमेंट के अंदर दूसरे टाइप का कमेंट हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है, वो कमेंट ही चल रहा है पहले से ही। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर एंड कर दिया, तो इसके अंदर ये जो कुछ भी आएगा वो कमेंट है हमारे लिए, कंप्यूटर को उससे कोई लेन देन नहीं है, कंप्यूटर उसको अनदेखा करेगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पर हमने लिखा कमेंट आउट प्रिंटिंग ऑफ जीपीसी डूंगरपुर, फिर यहाँ सी आउट लिख दिया, और सी आउट वैसे तो प्रोग्राम में लिखते हैं लेकिन इसको कंप्यूटर अनदेखा करेगा क्योंकि ये कमेंट में है, तो ये सारा कंप्यूटर देखेगा भी नहीं। फिर यहाँ हमने सिंगल लाइन कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट ही रहेगा कंप्यूटर के लिए, तो जो भी कुछ लिखेंगे वो कमेंट ही रहेगा, कंप्यूटर उसको अनदेखा करेगा। अब हम कमेंट्स देख चुके हैं, मल्टीपल लाइन और सिंगल लाइन दोनों तरह की। अब हम देखते हैं असाइनमेंट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, तो एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो कुछ ऐसा होता है, इक्वल टू का साइन, यहाँ एक्स इक्वल टू 3 लिखा तो एक्स के अंदर वैल्यू आ गई 3, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा किसी प्रोग्राम में तो वो 3 प्रिंट कर देगा, ये एकदम सिंपल हो गया। अब उसके बाद में आता है हमारा प्लस इक्वल टू, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। इसको लिखते कैसे हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स प्लस इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स की वैल्यू 3 और प्लस 5 कर दिया, तो इसका आउटपुट आएगा 8, इसका आउटपुट 8 आएगा। फिर माइनस इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्स माइनस 5, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा दो, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। फिर आता है स्टार इक्वल टू, तो स्टार इक्वल टू का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इक्वल टू 3 स्टार 5, ये 15 आ जाएगा। फिर डिवाइड कर दिया हमने, इसका मतलब क्या हो गया, डिवीजन, एक्स डिवाइड बाई 5, एक्स इक्वल टू 3
थ्री डिवाइड बाय फाइव। तो क्योंकि हमने क्या किया है, एक्स को इंटीजर लिया है यहाँ पर, अगर एक्स इंटीजर होगा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। और अगर एक्स इंटीजर नहीं हुआ, ये अगर फ्लोट हुआ तो ये हो गया 0.6। फिर ये होता है मोडुलस, ये होता है मोडुलस, एक्स इक्वल टू 3% साइन और 5। मोडुलस का मतलब ये होता है कि जब डिवाइड करते हैं उसके बाद में जो रिमाइंडर बचता है वो कितना है, तो रिमाइंडर भी यहाँ 0 ही आएगा। यहाँ अगर दोनों इंटीजर लिया है हमने तो 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 3। ठीक है, क्योंकि 3 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 0 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, 0*5 ऐसे वैल्यू निकालेंगे उसकी, वापस निकालेंगे तो 0*5 जीरो टाइम्स गया ना, हाँ से डिवाइड करो और प्लस 3, तो 0+3 इक्वल टू 3। तो ये जो है एक्स मॉडुलस 5, ये सिंपल सी बात है कि एक्स के अंदर 5 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर रहता है वो आता है, तो यहाँ पर 3 आ गया। फिर इसके बाद में आगे आता है एक्स एम्परसेंड इक्वल टू 5, इसका मतलब ये होता है, अब यहाँ एम्परसेंड है उसका मतलब क्या है, बिट वाइज एंड, बिट वाइज एंड ऐसे रहेगा कि यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू क्या ली थी, 3 और 5 का बिट वाइज एंड करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 को लिख लो, बाइनरी में 3 कैसे लिखेंगे, 1 और 1 से आता है ये 3 होता है, 5 कैसे होता है, 1 0 1। अब इसको बिट वाइज एंड कर दो, तो बिट वाइज एंड 1 और 1 1 हो गया, 1 और 0 0 हो गया, 0 और 1 0 हो गया, ये आ गया 1 आ जाएगा। 3 और 5 का बिट वाइज एंड करेंगे, फिर ये हो जाएगा एक्स और 5, ये बिट वाइज और हो जाएगा, तो 3 और 5 का और कर लो यहाँ पर, ये तो 3 था और ये 5 था, इसका और कर लो, 1 1 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ये 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है एक्स कैप सिंबल और 5, इसका मतलब होता है एक्सक्लूजिव ओर, एक्सक्लूजिव ओर। तो एक्स का वैल्यू लिखो, 3 कितना था, 0 1 1, 5 कितना था, 1 0 5। एक्सक्लूजिव ओर का मतलब होगा दोनों बिट अगर अलग अलग है, डिफरेंट टाइप की है, तब तो 1 हो जाएगा, और सेम टाइप की तो 0, तो 1 और 1 सेम टाइप के तो ये 0 हो गया, ये अलग अलग टाइप की है और ये अलग है, ये कितना आ गया, 6। एक्सक्लूजिव ओर है वो हो जाएगा 6। फिर एक्स ग्रेटर देन 5, ये क्या करेगा, एक्स को शिफ्ट करेगा राइट साइड में, कितनी बार, 5 बार। तो एक्स की वैल्यू क्या आती, 0 1 1, इसको हम राइट शिफ्ट करेंगे, तो पहली बार करेंगे तो कितना आएगा, ये तो उड़ जाएगा यहाँ से और 0 1 रह जाएगा, फिर दूसरी बार करेंगे तो ये भी हट जाएगा और सिर्फ 0 रह जाएगा, और उसके बाद तो 0 0 आना ही है, तो एक्स को राइट शिफ्ट करेंगे तो 0।
राइट शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि उस नंबर को दो से डिवाइड कर दो, उस नंबर को दो से डिवाइड कर दो। उसके बाद में है लेट शिफ्ट, लेट शिफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, मतलब दो से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये था एक्स की वैल्यू 3, पहली बार राइट शिफ्ट किया तो 0 1 1 और इधर कितना आ गया 0, कितना था यहाँ पर 3, अब देखो कितना हो गया, अब हो गया 6, ये हो गया 6, दो से मल्टीप्लाई हो गया। फिर एक बार और शिफ्ट करेंगे तो वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, फिर वापस 24। तो इस तरह से जितनी बार हम लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे हर बार दो से मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अपन राइट टू लेफ्ट चलते हैं जब बाइनरी में, तो पावर कैसे रहती है 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, और अगर नंबर देखते हैं तो वो कैसे रहता है 1 2 4 8 16 32 64 128 255, तो वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है राइट में लेफ्ट में जा रहे थे, और अगर राइट में मानेंगे तो दो से डिवाइड होता जा रहा है। तो कंप्यूटर है वो मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना नहीं जानता है, वो सिंपली क्या करता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कर देता है। इसके बाद में है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या आता है, लॉजिकल कंडीशंस आती है, ये कुछ इस तरह की कंडीशंस होती है। लेस देन ए, लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये होता है इक्वल टू। जब असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इक्वल टू का साइन, उसको दो बार लगाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, और ये होता है नॉट इक्वल टू। तो हम ये कंडीशंस से यूज कर सकते हैं डिफरेंट जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म कराने के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंट डिसीजंस, और ये सब हमारे इफ कंडीशन में काम में आती है। तो इफ क्या करता है कि एक स्पेसिफाइड ब्लॉक होता है कोड का, उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। कब करता है एग्जीक्यूट उसको, यदि कोई स्पेसिफाइड कंडीशन वो ट्रू होती है तब। एल्स क्या करता है, अगर वो कंडीशन इफ में थी वो फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स में जाते हैं ताकि एल्स वाला कंडीशन ट्रू हो जाए। जैसे आपको आज छाते की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी इस पर डिपेंड करता है, अगर बारिश आती है कंडीशन ट्रू होती है, बारिश आ गई तो आपको छाते की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नहीं आई तो आपको छाते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर होता है एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर हम एक नई कंडीशन को वो टेस्ट करते हैं यहाँ पर। फिर आता है स्विच। जब हमारे पास कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है तब जो अल्टरनेटिव ब्लॉक्स हैं वो खूब सारे होते हैं, तो हमें इफ एल्स के लिए तो खूब सारे इफ एल्स लगाने पड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं स्विच यूज कर लेते हैं। पहले हम इफ एल्स देखते हैं। ये कुछ इस तरह का सिंटेक्स रहता है इफ कंडीशन का, इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर ये अगर ट्रू होती है, ये या तो ट्रू हो सकती है या इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। अगर ऐसा होगा तब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा ये। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो इफ लिखते हैं वो लोअर केस में लिखना है, अपने कैपिटल में इफ है उसको कंपाइलर नहीं समझेगा, उसको एरर देगा, क्योंकि कंपाइलर को स्मॉल लेटर्स में ही बताया हुआ है, और स्मॉल लेटर में लिखी हुई चीज़ उसको कैपिटल में लिख दिया, एरर आ रही है। इसको एक तरह से ऐसे ही बोल सकते हैं कि सी है वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज है,
स्ट्रिक्टली टाइप्ड का मतलब अगर आपको बोल दिया कि आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो स्मॉल में लिखना है, नहीं तो नहीं चलेगा, वो स्ट्रिक्ट हो गया। अगर कुछ कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नीचे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इफ़ 10 इज ग्रेटर देन 8, तो कंडीशन बताइए 10 बड़ा है 8 से, बिल्कुल 10 बड़ा है 8 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो 10 इज ग्रेटर देन 8, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर आता है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स में क्या होता है कि इफ़ में कंडीशन चेक करते हैं, अगर वो फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया टाइम, इंटीजर टाइप का, इसमें 17 डाल दिया। फिर चेक किया कि टाइम है वो लेस देन 12 है क्या, छोटा है 12 से, तो 17 है वो 12 से छोटा है क्या, नहीं है। तो अगर छोटा होता, मतलब 12 बजे तक का टाइम है उससे पहले तक का टाइम होता तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। अब 17 है वो 12 से छोटा नहीं है, ठीक है, तो एल्स में जाएंगे और गुड इवनिंग, तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, गुड इवनिंग। फिर एल्स इफ, एल्स इफ में क्या होता है कि और एक कंडीशन और आ जाती है। यहाँ पर देखिए, जैसे टाइम हमने डाला 17, टाइम को चेक करेंगे कि टाइम छोटा है 10 से, 17 छोटा है 10 से, नहीं है। अगर छोटा होता 10 बजे से पहले की बात होती तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद में एल्स गए, एल्स में हमने वापस चेक किया कि टाइम क्या छोटा है 15 से, 17 छोटा है क्या 15 से, नहीं है। अगर 15 से छोटा होता हम गुड डे बोल देते, तो फिर एल्स में जाएंगे क्योंकि 17 10 से भी छोटा नहीं है और 15 से भी छोटा नहीं है, तो एल्स में गए और हमने बोला गुड इवनिंग। तो इस तरह से काम करेगा ये और गुड इवनिंग आउटपुट आएगा। तो हमने इस वीडियो के अंदर कमेंट्स देख लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लिए और इफ एल्स देख लिया। हमें स्विच और लूप्स भी पढ़ने, स्विच और लूप्स को समझने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम स्विच और लूप्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाएं, इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू।